हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ममता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फूड की दीवानी में। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो एक बहुत ही पॉपुलर सूरत की स्ट्रीट फूड रेसिपी है जिसका नाम है अंडा घोटाला। इसे बनाना घर पर बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं अंडा घोटाला। एक पैन में हम आधा छोटा चम्मच तेल लेंगे और इसमें एक अंडा डाल देंगे। हम अब हाफ फ्राई बना रहे हैं डिश के लिए। इसमें हम एक चुटकी जीरा पाउडर और एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, मैं यहाँ पर दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन आप एक चुटकी नमक भी डाल दीजिए। इसे बस हमें 10 या 20 सेकंड के लिए ही रखना है पैन में और इसे साइड में रख। एक से दो बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें एक बड़ा कटा हुआ प्याज डाल देंगे। हमें इस प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, बस आप इसे एक या दो मिनट तक चलाएं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसमें हम एक बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे। बटर को हम बाद में ही डालेंगे क्योंकि अगर इसे पहले डालते हैं तो ये बहुत बार जल जाता है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच फ्रेश ग्रीन गार्लिक डालेंगे, यानी कि ताज़ा हरा लहसुन, और आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आपको ये बाज़ार में नहीं मिल रहा फ्रेश हरा लहसुन तो आप नॉर्मल लहसुन जो घर पर अवेलेबल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चुटकी हल्दी, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। इस स्टेज पर आप ध्यान रखिए कि ये गैस का फ्लेम आपको स्लो रखना है ताकि ये मसाले जले ना। इसे हमें ज़्यादा नहीं, बस मिक्स कर इसमें हम दो मीडियम कद्दूकस किए हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मैंने कद्दूकस किया हुआ है, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। जब ये बराबर से अच्छे से पक जाए तब हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और हल्का सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। पानी यहाँ पर मैंने 1/4 कप के आसपास डाला हुआ है। जब ये अच्छे से सारा मसाला कुक हो जाए तब इसमें हम दो कद्दूकस किए हुए उबले हुए अंडे डाल देंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं इसमें फिर से अराउंड 1/4 कप के आसपास पानी, एक बड़ा चम्मच बटर ये डालकर इसे मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें जो पहले हमने हाफ फ्राई बनाकर साइड में रखा हुआ था वो डालेंगे। हाफ फ्राई को आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके आप जब इसे मिक्स करेंगे तो इसके पीसेस हो जाएंगे, तो आप इसे यूँ ऐसे तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये हमारा अंडा घोटाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच बटर लिया हुआ है, उसमें मैंने एक छोटा चम्मच तेल डाला है, एक छोटा चम्मच हरा लहसुन डाला है, एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर और एक चुटकी जीरा पाउडर। इसे डालकर तड़का रेडी कर लिया है और इसे मैंने अंडा घोटाला पर पोर कर दिया है। अभी हमारा अंडा घोटाला बिल्कुल रेडी है।